तो स्टूडेंट्स, अभी इस प्रॉब्लम में हमें वैल्यू निकालनी है टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाय टू की। तो यहाँ पे साइन इनवर्स वन बाय टू, आप सबको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू वन बाय टू कहाँ आई थी, पाई बाय सिक्स पे आई थी। सेकेंड स्टेप आपने नहीं भी करना हो तो आप इसको रहने दे सकते हैं, आप डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं। आपने साइन इनवर्स वन बाय टू की, यहाँ से आपने साइन इनवर्स वन बाय टू की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ भर दी, टू इंटू साइन इनवर्स वन बाय टू भर दिया, पाई बाय सिक्स। ओके, तो ये टू से ये सिक्स अंदर कट गया, तो बच गया टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाई थ्री। अब कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू, कॉस सिक्सटी इज़ वन बाय टू, तो इस टू से ये वन बाय टू काट दिया, इस टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर इसका आंसर रहने वाला है। तो इसमें सिंपली आपको अगर साइन इनवर्स वन बाय टू की पहले वैल्यू पता होती तो वो डाल देनी थी। साइन इनवर्स वन बाय टू की वैल्यू डालने के बाद उस टू से सिक्स को काट के कॉस पाई बाई थ्री बन जाना था, कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू आपने पुट कर देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑब्जेक्टिव आ सकता है। हमने पढ़ा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स पाई बाई टू बन जाएगी। तो जैसा हम देख रहे हैं कि हमने ये फार्मूला पढ़ा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, तो टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए भी पाई बाई टू हो जाएगा। तो ये नीचे पाई बाई टू बन गया यहाँ, और कॉट पाई बाई टू, कॉट नाइन्टी जीरो होता है, सो इट्स वैल्यू इज ज़ीरो। ये आपको फाइनल में वन मार्क्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ये दोनों हमारे पास फॉर्मूले बन गए। जब मैंने आपको टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला पढ़ाया था, तो टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये जो चीज़ है आपकी, ये आपके पास बन गई है टू टेन इनवर्स एक्स, और ये आपके पास, ये दिस वन विल बी टू टेन इनवर्स वाई। तो वही इसने यहाँ पे इनको डायरेक्ट बना दिया है, और टू कॉमन लेके, जैसा कि हम देखेंगे ये टू कॉमन आ जाएगा और ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, अंदर बच गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फिर आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फार्मूला आपने अप्लाई किया यहाँ पे, और फिर ये टेन से टेन इनवर्स कैंसिल और ये सिंप्लीफाई हो गया। तो सिंपली जिस स्टूडेंट को टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला याद होता, वो इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकता था, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ने टू टेन इनवर्स एक्स बन जाना था, एक ने टू टेन इनवर्स वाई बन जाना था, क्योंकि ये भी टू टेन इनवर्स वाई का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स। तो इसलिए सिंपली वो फार्मूले अगर आप देखते लास्ट लेक्चर के, तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमने पहले स्टेप में क्या किया है कि टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स, आपने एलएचएस पे भी और आरएचएस पे भी साइन इनवर्स लेना है। जब आप साइन इनवर्स लेंगे तो ये वाला साइन यहाँ पे कट हो जाएगा और यहाँ पे ये साइन इनवर्स वन रह जाएगा। साइन इनवर्स वन, साइन की वैल्यू वन कहाँ आती है, वन आती है पाई बाय टू पे। तो ये बन गया साइन इनवर्स वन बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। अब जब हमने इसको राइट हैंड साइड ले गए कॉस इनवर्स एक्स को, तो ये बन गया साइन इनवर्स वन बाई फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू। तो इसको अगर परे ले जाऊँ राइट हैंड साइड पे, तो साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसलिए ये पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन गया साइन इनवर्स एक्स। अब दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं हम, दोनों साइड जब कंपेयर करेंगे तो एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, वन बाय फाइव के बराबर होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना था कि ये वाले स्टेप में ये यहाँ पे पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो है ये साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको आप राइट हैंड साइड जब ले जाएंगे ये परे जाके माइनस का हो जाएगा, तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स रह जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ साइन इनवर्स एक्स बन जाएगी, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। फाइनल एग्जाम में आपके ये पहले पूछा जा चुका है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। आसानी से, बहुत आसानी से इसका सोल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, इसके अंदर बस कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी इसके अंदर कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमें ये एक्सप्रेशन दिया है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का जो फार्मूला स्टडी किया होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का ये जो फार्मूला हमने पढ़ा होता है, इसी का इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होना है।
तो हमने LHS पे टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y बनाया, ये पूरा x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, तो टैन इनवर्स x, x प्लस y, ये x ये y ओवर 1 माइनस x इंटू वाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे आप LCM लेंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और सॉल्व करके आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये सॉल्व होके आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे आप तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप यहाँ पहुँचेंगे फिर आपने इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो सॉल्व करते करते जब हम चले तो हमारे पास ये आ गया 2x² - 4 = -3, माइनस का 4 पर जाके प्लस का, तो सॉल्व करते करते आ गया x² = 1/2 एंड x = ±1/√2। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि हमें टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y जो है वो अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जब आपने अंदर अप्लाई कर दिया था, यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये टैन इनवर्स और टैन कहाँ गए। तो ये जो टैन इनवर्स था ये यहाँ पे आपने क्या किया है, स्टेप के बाद यहाँ पे आपने एक तरह से दोनों साइड टैन लिया है। स्टेप के बाद आप लिख सकते हैं टेकिंग टैन बोथ साइड्स, टैन जो है वो आपने दोनों साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड पे वो टैन से टैन इनवर्स कैंसिल हो गया है पहला फार्मूला लगने के बाद, और राइट हैंड साइड पे वो टैन पाई बाय 4 1 बन गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग टैन बोथ साइड्स, इस स्टेप के साथ आप ऐड कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए। उसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ इस तरह की एक प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग लेक्चर में, कि हम साइन इनवर्स से साइन को तभी काट सकते हैं अगर वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 to π/2, -90 से +90, पर 2π/3 तो नहीं है, 2π/3 जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, क्योंकि 2π/3 हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिग्रीज में देखें तो 2π/3 बन जाएगा 2 × 180/3, 3 से आपने कैंसिल कर दिया 60, तो 60 × 2 इट इज़ 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है वो आप डायरेक्ट नहीं कट कर सकते थे, तो इसलिए 2π/3 को हम चेंज करके लिख रहे हैं π - π/3, हमने ये यहाँ पे इसको π - π/3 लिख दिया। नाउ साइन π - थीटा इज साइन थीटा, बिकॉज पाई माइनस जो है वो आपका ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन π - π/3 जो है दैट इज साइन π/3 हो गया। फिर आपने अब मैं इसको काट सकता हूँ क्योंकि π/3 60 डिग्री है इसके बीच, तो इसलिए इसका आंसर 60 डिग्री आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप कैंसिल तभी कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो जो एंगल है आपका वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर होगा तभी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं था, उसको सिंप्लीफाई करके लाए हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन NDA में आ चुका है, NDA में इस तरह की बहुत बार प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस तरह ये NDA में जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, टैन इनवर्स टैन 3π/4। तो 3π/4 जो है वो टैन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, क्योंकि टैन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये दी गई है -π/2 to π/2 इंटरवल ओपन। तो अब 3π/4 को हमें तोड़कर जो है वो लिखना पड़ेगा, तो 3π/4 को हमने π - π/4 लिखा, पर अब π - π/4 सेकंड क्वाड्रेंट आप जानते हैं सेकंड में टैन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये माइनस साइन भी यहाँ आएगा, ये माइनस साइन भी यहाँ आया है। अब इस माइनस साइन को ख़त्म करने को मैं अंदर ले जा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, तो माइनस साइन अंदर ले गए क्योंकि हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो आप लोगों ने पढ़ा था कि टैन ऑफ माइनस थीटा जो है दैट इज माइनस टैन थीटा, तो वो थीटा अंदर बाहर हम ला सकते थे यहाँ पे, तो जो माइनस टैन थीटा है उसको टैन ऑफ माइनस पाई बाय फोर लिख दिया हमने यहाँ पे। तो अब माइनस पाई बाय फोर है, -90 और 90 के बीच में -45 आएगा, तो अब मैं इसको कैंसिल कर पाऊँगा और ये -45 हो जाएगा, तो इसलिए ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स एक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इजी क्वेश्चन था, इजी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर अभी हमें जो है वो हमने एक प्रोसेस सीखनी है
जिसके अंदर हम ये देखेंगे। मैं आपको एक आसान सा तरीका बता दूंगा कि कैसे आपने जो है वो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना होता है। आपने जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा तरीका यहाँ पे खुद ही बता दूंगा इसका कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स है इसका मुझे टैन इनवर्स बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि मुझे फार्मूला सिर्फ और सिर्फ टैन इनवर्स का आता है। हमने एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है कि हमारे पास सिर्फ टैन इनवर्स को ऐड करने का फार्मूला है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। ये तो डायरेक्टली बन जाएगा क्योंकि कॉट इनवर्स टैन इनवर्स के आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल। बट इसको बनाने के लिए, साइन इनवर्स को करने के लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ज़रा इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम क्या है, हम मान लेते हैं लेट दिस एंगल बी थीटा। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे साइन थीटा लिखना है सो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेट जो ये साइन इनवर्स 3/5 है इसको मान लीजिए थीटा। ओके, साइन इनवर्स 3/5 आपने थीटा एज्यूम कर लिया है। ओके तो साइन इनवर्स 3/5 अगर थीटा है तो साइन थीटा हो गया यहाँ पे 3/5, यानी ये साइड 3 ये साइड 5। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो तीसरी साइड जो है ये 4 आ जाएगी। तो अब यहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी में अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूँ तो टेन थीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3/4। तो वहाँ से मेरा जो काम है वो बन गया है। तो एक तरह से मैंने साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे चेंज करना था, मैंने जो साइन इनवर्स 3/5 दिया था उसको थीटा माना, तो साइन थीटा हो गया 3/5। तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थर्ड साइड आ गई 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने स्टडी किया कि हमने ये जो हमारा टेन थीटा आया वो आया 3/4। तो यहाँ से थीटा कितना हो गया इन टर्म्स ऑफ टैन? इट इज टैन इनवर्स 3/4। तो आपने क्या कर दिया, आपने उस थीटा को, क्योंकि थीटा को हम साइन इनवर्स 3/5 मान के चले थे, साइन इनवर्स 3/5 हमने थीटा माना था, तो थीटा को हमने उस साइन इनवर्स से चेंज करके टैन इनवर्स में ले आए। तो सिंपली यहाँ पे ये जो स्टेप है हमारे पास, ये यहाँ पे ये टेन इनवर्स 3/4 इस तरीके से बनता है। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे रफ वर्क में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आगे बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ आपको और क्लियर होता चला जाएगा। आप ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल से आपको दो साइड्स का आइडिया लग जाएगा, जैसे साइन इनवर्स से मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का आइडिया लगा, तो थर्ड साइड निकाल के मैं उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। कॉट इनवर्स को सिमिलरली स्टूडेंट्स, कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करना होता तो कॉट इनवर्स भी आपको डायरेक्टली दिख जाएगा इस ट्राइंगल में। अगर मैं एक कॉट ट्राइंगल बनाऊं, लेट दिस एंगल बी एक्स, ये एक्स है, तो कॉट एक्स, एक्स मान लिया हमने जो दिया है हमें कॉट इनवर्स 3/2, तो यहाँ से कॉट एक्स आ जाएगा 3/2। तो कॉट एक्स आ गया तो टेन एक्स क्या आ जाएगा? 2/3, इसका रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो कन्वर्ट करना इजी था, इसको कन्वर्ट करना आसान था, ये डायरेक्टली रेसिप्रोकल हो जाना था, इसके लिए हमें बाकी साइड निकालनी पड़ी। तो अंदर हमने दोनों का टैन इनवर्स बना दिया और फिर लगा दिया टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, जो कि है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 - एक्स वाई। ऐसा करने से अंदर सॉल्व कर लिया और लास्ट में आपने टैन से टैन इनवर्स को कट कर देना है।
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी प्रॉब्लम एनडीए में भी पहले आ चुकी है और जेडब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं पे इसका यूज़ हो सकता है। उसी तरह से स्टूडेंट्स, अभी एक क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 7π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है कि नहीं, ये सबसे पहले चेक करना होता है। तो 7π/6 हो गया 7 × 180/6, इसको आपने कट कर दिया, ये हो गया 210 degrees, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो 0 से π है। तो इसलिए 7π/6 को हमने लिखा 2π − 5π/6, क्योंकि 6 × 2 = 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गए, 7π/6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा करने से स्टूडेंट cos 2π − θ, नाउ दिस हेयर हमारे पास cos 2π − θ है। 2π − θ मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये सिंपली cos 2π − θ cos θ बन जाएगा, cos 5π/6। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आपके पास 5π/6 बन जाएगा, क्योंकि 5π/6 0 और 180 के बीच में होगा। तो इसी तरह से लास्ट इसकी प्रॉब्लम है स्टूडेंट आज के हमारे सेशन की, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, यहाँ पे ये सबसे पहले sin−1/2 है, तो साइन इनवर्स में माइनस साइन बाहर आ जाता है, हमने पढ़ा था। तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पे भी जा सकते थे, यहाँ पे भी आप जा सकते थे, अगर आप ये नहीं करना चाहते, ये माइनस साइन बाहर चला जाना था और ये आपके पास −(−) हो जाना था। आपके पास अंदर सिर्फ जो बचना था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर इस पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देते तो ये आपके पास जो था वो सिर्फ π/3+ रहना था, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ जाना था, प्लस sin−1/2 ये आपके पास यहाँ पे रहना था सिर्फ, तो वो वही यहाँ पे रहा है। और sin−1/2 क्या हो जाना था, π/6। तो वही स्टेप ये जो है वो इसने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे ये π/3+π/6 बन गया। इस कैल्शियम लिया 3π/6, 3 से 6 काट दिया, sin π/2 विच इज़ 1। तो इसी तरह से स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अब cot−(−x) का भी आप डायरेक्ट लगा सकते थे, अगर आप इस तरीके से ना करते जिस तरीके से इस यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, तो आप दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट इन स्टेप्स को आप ना करते मान लो, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे π − cot−√3, तो भी आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। तो भी आपके पास सॉल्व करने के बाद यही सॉल्यूशन जो था वो बन जाना था, आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे करके आपको आसान रहेगा। फिर भी नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको जो है वो कंटिन्यू करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली, मुझे उम्मीद है कि आज आपने 2.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट आप कर लेंगे। मिसलेनियस का भी मैं आपको एक लेक्चर भेज चुका हूँ, अभी एक लिंक और उसका मैं आपको भेजूँगा, आफ्टर दैट मैं उसका अपना लेक्चर भी अपलोड कर दूँगा। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से इस चैप्टर से आपको एक 4 मार्क्स की प्रॉब्लम और एक ऑब्जेक्टिव, टोटल 5 मार्क्स इस चैप्टर की वेटेज है, और इजी चैप्टर है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर भी नहीं है। तो ये आपने प्रैक्टिस करना है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग अब जल्द ही मिलेंगे, बट जब तक ये हमारे पास लॉकडाउन का टेन्योर है तब तक होपफुली मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप जो भी आपको टीचर्स लेक्चर भेज रहे हैं उनको आप कंटिन्यूसली देखें, उनको नोट डाउन करें, उनसे नोट्स बनाएं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि आप सबकी करियर क्लास है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस टाइम को जो है वो सही ढंग से जो है वो यूटिलाइज़ करें। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी हम लोग जो हैं वो सिलेबस को कोशिश करेंगे आपका कि हम टाइमली सिलेबस को जो है वो ख़त्म करें और कम से कम 2 बार इसका जो है वो रिविज़न करवाएँ। तो सब के लिए हम आपके हमारे हम सब के कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं वो अगर रहेंगे तभी वो सब पॉसिबल होगा। तो होप करता हूँ आप सब ठीक हैं, एंड स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।